द रिपब्लिकन टाइम्स। खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स और हम आपके साथ हैं प्रिंस कुमार मिट्टू। 3 तारीख की घटना घटती है जिसमें परिजन का जो इनके जो परिजन है हमारे साथ हैं, ये लोग बड़ी दर दर के ठोकर खा रहे थे, तो रिपब्लिकन टाइम्स से आप बीती सुनाने के लिए गुहार लगाए और हमने भी इनसे बात करना चाहा कि आखिर मामला क्या है, कि कभी आप SP कार्यालय तो कभी अनुमंडल कार्यालय, अभी फ़िलहाल ये इंस्पेक्टर के पास आए थे और इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों ये कभी ये कार्यालय कभी वो कार्यालय पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव पासवान हुआ सर। घर कहाँ आपका? मेरा घर हुआ चौथा जी। और मेरे साथ में सर इतना मतलब बुरा घटना घटा है कि वैसा मतलब कि लग रहा है कि मैं कई किस टाइम हम जान गंवा दें अपना सर। वैसा मेरे साथ में परिस्थिति हुआ है। मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, गरीब हैं लेकिन प्रतिष्ठित थे, लेकिन मेरे साथ में मंटू पासवान, सारा परिवार मिल के, स्वतंत्र पासवान, बिट्टू पासवान, सारा परिवार मिल के जो है कि हमको मतलब हाथ गोर बांध के पुष्ट पिटाई किया, गाय गोरू की तरह हमको पिटाई किया है और अभी तक जो कि पिलर में बांध के हमको मारा है और अभी तक जो है पुलिस प्रशासन गया, पुलिस प्रशासन हमको छोड़ा के लाया। कहाँ का मामला? ये चौसा थाना वार्ड नंबर 9 का है जी। मेरा घर जो है चौसा थाना पश्चिमी पंचायत वार्ड नंबर 9 में है और 9 के मतलब के बात चल रहा है सर। 9 नंबर के वार्ड के भी आदमी की घटना हुई थी। ये 3 तारीख को घटना है, 3:30 बजे शाम में हम लोग माल मवासी चारा खिला रहे थे। इसी बीच में मंटू पासवान सारा परिवार मिल के अज्ञात व्यक्ति मतलब कि लगभग में 50-60 आदमी थे, हम दो परिवार पति पत्नी थे, हम लोग के रोडे पर मतलब बिना पूछा जांची के मारपीट करना शुरू कर दिया। क्यों मारे आप? जबरदस्ती। इस मामले को आखिर कुछ बात तो? हाँ, जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद है और वह हल्का जो मेरा पूर्वजों के संपत्ति है सर, मेरा पूर्वजों का पुराना खतियान है, नया खतियान है, मेरा 22 तक रसीद मोटेशन हो रहा हुआ है और इसी बीच में जोर जबरदस्त 2017 ईस्वी में जाकर वो जमीन मंटू पासवान जबरदस्ती जो हमसे हार गया था उससे लिखवा लिया और अभी तक हम लोग साथ में 5 बार मारपीट हो चुका है सर। आप लोगों को जो घटना पे स्थल पे क्या हुआ किया सर? मेरे घटना स्थल पर सर क्या हुआ, खूब मारपीट किया है, जबरदस्ती पुलिस आई ने हमको मुफ्त किया, 4 आदमी को पकड़ के ले गया जो कि उसमें मिंटू पासवान था, स्वतंत्र पासवान था, 2 अज्ञात आदमी अपराधी था जो कि सब राइफल वोफल अपने साथ 3 मिनट लेकर राइफल लेकर मिल गया, बोल रहा था कि तुमको मार देते। हम बोले सर हमें अब ये बॉन्ड देवे किए हैं तो मार दीजिए हमको। पुलिस चारों को ले गई थी? जी हाँ, पुलिस 4 आदमी को पकड़ के ले गया। रात्रि में 10:30 बजे रात में 10:30 बजे रात में जाकर उसको छोड़ दिया सर, 10-11 बजे वही आदमी वही व्यक्ति सब मिल के मेरे बासा पर जाकर आग लगा दिया, मेरे माल मवासी चारा जो भी था सब खत्म हो गया, मेरा माल अति गाय का बच्चा था एगो वो जो है सर मतलब कि 15 तारीख को रात्रि में डेट कर गया है। अभी तक प्रशासन मेरे पास में नहीं गया कहाँ कैसे क्या घटना घटा है, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। FIR करने के लिए आवेदन दिए हमें 4 तारीख को, अभी तक FIR नहीं किया है। अच्छा, FIR नहीं किया और लोगों को छोड़ भी दिया? जी छोड़ भी दिया जी। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? हम शिकायत किए हैं DSP साहब के यहाँ गए, SP साहब के यहाँ गए, DIG साहब के यहाँ गए, मतलब हर एक जगह हम पहुँच चुके हैं सर, लेकिन अभी तक कोई तरह के मेरे साथ में मतलब कोई नहीं सुनवाई किसी तरह की सुनवाई बात हुई है जी। थाना अध्यक्ष जा रहे हैं, थाना अध्यक्ष आदमी को भेजते हैं कि आप मतलब कि वो आइए हम आप FIR करते हैं, लेकिन FIR सर क्या करेगा, वो लोग वहाँ बोलते हैं कि गिरफ्तारी वाला हटा दीजिए उसके बाद हम FIR करेंगे नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम किरण देवी है। किरण देवी, आपके भी साथ मारपीट हुई थी? मेरे साथ भी मारपीट हुआ, मेरे पति के साथ, बेटा के साथ, देवर के साथ, गोतनी के साथ, हम दोनों पति पत्नी वहाँ गाय को खिला रहे थे, इसी बीच गया 50-60 आदमी के साथ हमको गाली गलौज करने लगा, मेरे पति को बांध के मारने लगा। हम बोले हो कहना मारे छो की बलोन बोलोन हो की बलोन बोलोन कहना मारे छो, अरे हम जादी चुप तोरो मारबो अभी एकरो तोरो बहनी को मारबो। हम मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया, मेरे साथ मुँह काला करने का प्रयास किया। पुलिस जो ले गई थी गिरफ्तार करके, पुलिस चार छोड़ दिया गया वो लड़का को छोड़ दिया, वही लड़का है देखिए।
आपका क्या सब जलाया है? मेरा पीठ में मारा है, बांह में मारा है, मेरा बेटा को कपार कर दिया है। हम थाना ले गए उन लोगों को, एक तो पिकअप गाड़ी था जिसमें पिलर लदा हुआ था सीमेंट का बना हुआ, वो भी रात में छोड़ दिया। 10 बजे मेरे घर में आग लगा दिया जा करके। पुलिस कुछ नहीं करता है, पैसा के बल पर वो छुड़ा लेता है। वो सीधे बोलता है थाना पुलिस मेरे पॉकेट में है, हम कोर्ट कचहरी नहीं जानते हैं। देखिए, इनकी घर जलाने की बातचीत हुई थी, फिलहाल हम आपको चौसा थाना अध्यक्ष क्या कह रहे हैं इस मामले पर वो हम आपको सुनवाते हैं। चौसा थाना अध्यक्ष सर से बातचीत हो रही है? प्रिंस बोल रहे हैं सर, रिपब्लिकन न्यूज से। क्या हुआ? प्रिंस पत्रकार बोल रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज से। हाँ, बोला जाए। सर, माधव कुमार जो था इनका एफआईआर वाला मामला, सर क्या हुआ था सर इसमें? आवेदन कहाँ कर उसको बुलवाया थे जी, नहीं आ रहा है। आया था, बिना आवेदन लिखवाया था, सत्य नहीं किया, चल गया। ठीक है। ओ, ये लोग का कहना हुआ था सर, 4 आदमी के स्पॉट पे गिरफ्तारी हुई थी, वहाँ पुलिस छोड़ दिया। नहीं नहीं, बिना आवेदन नहीं दिया, उसके गिरफ्तारी हम कर लेंगे। जी 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 जी, पता ये तो अपने जीत पर बड़ा हुआ है। उस दिन तो हम थे भी नहीं, रेड वही 80 वाला में रेड में थे हम, डियर में। ठीक है जी सर। रात में आए तो पता चला इंस्पेक्टर साहब और मदन बाबू जा रहे थे पीओ देखने। जी जी, वही सब हटाव बलगाव कर दिए थे उन लोग को, लड़ झगड़ रहा था तो जो। ठीक है जी सर। तो अब सवाल उधर से, लेट नाइट आए तो सुबह ला के आवेदन दिया था, ठीक ना? तो आवेदन दिया तो 107 वगैरह हो गया उससे। जी, अगर किसे करना था तो आवेदन देगा ना? जी सर जी, हाँ, बिना आवेदन का तो होगा। कहिए ना प्लीज, उसको एक बार कहिए जी, बैठ करके आवेदन दे देगा एक बार। जी जी सर, ये तो कह रहा कि सर आवेदन हम देने गए। अच्छा, एक बात बताइए सर, सर एफआईआर से पहले गिरफ्तारी होती है? नहीं नहीं सर, नहीं सर, एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी होती है। सर उसको समझाइए ना, क्या कहे, वैसा ना लिख के देता है, कहता है कि नहीं चार को गिरफ्तारी हुई है, बताइए। जी जी, पहले आवेदन नहीं दिया, गिरफ्तारी हो गया। जी जी जी, आप लोग तो जानते हैं, वो रात भर हम लोग उस दिन डियर में थे हम फुलमो। ठीक है सर, सर था आए थे लेट नाइट, अगर उसको सलाह दीजिए आप लोग, आवेदन दो, एफ आई आर हो जाएगा। ठीक सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर। ये चौसा थाना अध्यक्ष हैं और बात से आप इनकार भी कर रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई थी। फिलहाल परिजन जो बता रहे हैं उस पर क्या मामला है, बड़ी अधिकारी को इस पर जरूर जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। देखते रहिए रिपब्लिकन टाइम्स मधेपुरा से, मैं प्रिंस कुमार मिट्टू।